राहुल गांधी जी के इस निर्णय को, जहां पर उन्होंने प्रियंका जी को संगठन का महासचिव बनाया है और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का उनको जिम्मेदारी दी है, जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं AICC में, मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए बहुत गति मिलेगी और कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। मैं शुभकामना देना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और वेणुगोपाल जी को, जिनको नई जिम्मेदारी राहुल गांधी जी ने दी है। लगातार संगठन के अंदर राहुल जी नए लोगों को मौका दे रहे हैं और प्रभावशाली लोगों को नई जिम्मेदारियाँ मिल रही हैं। संगठन की तैयारी AICC से लेकर बूथ लेवल तक पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है और लोकसभा में अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। और प्रियंका जी के औपचारिक ऐलान से जहां उनको महासचिव बनाया है, मैं समझता हूं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी का माहौल है। देश में कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के रिवाइवल, कांग्रेस के जो है फिर से मजबूत होने की शुरुआत हो जाएगी। नहीं, ये कार्यकर्ताओं की बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही थी, कई सालों से ये मांग वो सोनिया जी से और राहुल गांधी जी से कर रहे थे कि प्रियंका जी को राजनीति में लाना चाहिए। आज वो शुभ दिन आ गया जब उनको राजनीति में लाया गया और वो 1 तारीख को लौटेंगी विदेश से और तो उसके बाद जो है वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। हम सबके लिए खुशी की बात होगी। चिढ़ी हुई है, परेशान है, सारे BJP वाले परेशान है। प्रियंका जी इसके आने से जगह जगह न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है बल्कि आम आदमी इससे बहुत खुश है। आम आदमी भी इस बात से बहुत खुश है, गांव-गांव में बैठा हुआ कि प्रियंका जी आई हैं।